दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के लिए राहुल द्रविड़ ने ऐसे खूंखार खिलाड़ियों को चुनकर प्लेइंग 11 को तैयार किया जिसे देखकर अफ्रीकी खिलाड़ियों के पसीने छूटने अभी से शुरू हो गए। टीम में एक ऐसा गेंदबाज भी हुआ है शामिल जो विश्व कप में मिली हार का बदला इस टेस्ट मुकाबले में लेगा। तो आखिर राहुल द्रविड़ ने पहले टेस्ट मैच के लिए किन किन खिलाड़ियों को टीम में दिया है मौका, कौन कौन से बल्लेबाज मचाएंगे अफ्रीका की धरती पर तबाही, कौन गेंदबाज करेगा अफ्रीकी टीम का कत्लेआम, राहुल के द्वारा चुनी गई प्लेइंग 11 हम आपको अपने इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन सबसे महानतम कप्तान है आपके हिसाब से, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया इस समय साउथ अफ्रीका के दौरे पर है जहां टीम इंडिया T20 और वनडे मैचेस खेल चुकी है। अब तक टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन इन दोनों सीरीज में रहा है। T20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई तो वहीं राहुल की कप्तानी में भारत 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम किया। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब टीम इंडिया की कड़ी चुनौती शुरू होने वाली है जहां दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। ये टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी जहां टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद लंबी छुट्टी बिताकर खेलते नजर आएंगे। अब एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में कप्तानी होगी और ये टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका को मद्देनजर रखते हुए दोनों टीमों के लिए काफी अहम होने वाला है। भारतीय टीम इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के मुकाबले बेहद मजबूत टीम नजर आ रही है। इस बार टीम इंडिया को अफ्रीका की धरती पर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। आपको बता दें, टीम इंडिया ने आज तक साउथ अफ्रीका को उनके घर में टेस्ट सीरीज में कभी नहीं हरा पाई है, लेकिन इस बार ऐसा करना बहुत ही अच्छा मौका है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। ये टेस्ट बॉक्सिंग डे मैच के नाम से भी जाना जाएगा। दोनों टीमों में जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है जहां साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में मिली हार का बदला निकालने के लिए टेस्ट सीरीज में दमखम लगाएगी, तो वहीं टीम इंडिया इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस वक्त भारत और अफ्रीका के टेस्ट सीरीज पर टिकी हुई है। दोनों टीमें काफी खतरनाक हैं और मैच में जबरदस्त रोमांच देखने को मिल सकता है। इसीलिए भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने अभी से मैच के लिए पूरी तैयारी कर ली और 11 खूंखार खिलाड़ियों से टीम को तैयार कर लिया है। जी हाँ, भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने पहले टेस्ट मैच के लिए ओपनिंग करने की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल के कंधों पर रखी है। ये दोनों ओपनर खिलाड़ी अफ्रीका की धरती पर तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन दोनों की जोड़ी ने विश्व कप में भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था और ठीक उसी अंदाज में अफ्रीका के खिलाड़ियों का तहस नहस करने वाले हैं। वहीं राहुल द्रविड़ ने 3 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए किंग कोहली को रखा। कोहली टेस्ट में बेहद शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं और अपने बल्ले से जमकर रन बरसाते हैं और कई दफा टीम इंडिया को अकेले दम पर टेस्ट में जीत दिलाए हैं। इसीलिए राहुल द्रविड़ ने सबसे अधिक भरोसा जताते हुए नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली को रखा। वहीं राहुल द्रविड़ ने नंबर 4 पर जगह संभालने के लिए श्रेयस अय्यर के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी है। वो बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो अकेले दम पर मैच जिताने का भी जज्बा रखते हैं और अच्छे अच्छे गेंदबाजों की धजिया उड़ा के रख सकते हैं। अफ्रीका की धरती पर श्रेयस अय्यर का बल्ला जमकर दहाड़ने वाला है। उन्हें अफ्रीका का मैदान काफी पसंद है, इसीलिए कोच राहुल द्रविड़ ने उनको नंबर 4 पर खेलने का मौका दिया। द्रविड़ ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल को रखा। राहुल द्रविड़ को इस खिलाड़ी से बेहद उम्मीद है जिसके लिए उन्होंने सबसे अधिक भरोसा जताया। राहुल अच्छे अच्छे गेंदबाजों की धजिया उड़ा कर रख सकते हैं। इन्होंने वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से जीत दिलाई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। राहुल द्रविड़ ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए टीम में शार्दुल ठाकुर को शामिल किया। वो अपने बल्ले के साथ साथ गेंद से भी जौहर दिखाकर हर किसी को हैरान करने वाले हैं, इसीलिए राहुल द्रविड़ ने इनको नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने का सुनहरा मौका दिया। वहीं स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में द्रविड़ ने रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को टीम में रखा है। ये दोनों एक्सपीरियंस गेंदबाज अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की धजिया उड़ा देते हैं। इनकी फिरकी के आगे सभी बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं, इसीलिए दोनों स्पिनरों पर सबसे अधिक भरोसा राहुल द्रविड़ ने जताया। वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में राहुल द्रविड़ ने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज के साथ मुकेश कुमार को टीम में शामिल किया है। इन तीनों गेंदबाजों की जोड़ी अफ्रीका की धरती पर जबरदस्त कमाल दिखा सकती है और द्रविड़ को इन तीनों खिलाड़ियों पर सबसे अधिक भरोसा है। तो अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए राहुल द्रविड़ के द्वारा चुनी गई प्लेइंग 11 काफी खतरनाक है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित की भारतीय टीम की प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब से कुछ ही देर में खेला जाने वाला है जिसके शुरू होने से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने टीम से विराट कोहली को बाहर निकालकर इस नए दिग्गज खिलाड़ी को टीम में जगह दी है, जिसको देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
तो आखिरकार कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में विराट कोहली को जगह न देते हुए किस खिलाड़ी को टीम में जगह दी है, या तो आपको बताएंगे ही, साथ में पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 और वनडे सीरीज के समापन के बाद अब दो मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर को सेंचुरियन के मैदान पर बॉक्सिंग डे टेस्ट के रूप में खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीम तैयार है। लेकिन इस बीच कप्तान रोहित शर्मा ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और टीम के अंदर बड़े बदलाव करते हुए सभी को काफी ज्यादा हैरान कर दिया है। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए अपने आप को शामिल किया है, जो टीम के कप्तान है, और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से विरोधी टीम को चारों खाने चित्र कर सकते हैं। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में हार के बाद अब टीम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल को मौका दिया है, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज से सभी को प्रभावित कर चुके थे और अपनी जगह पक्की कर गए थे। ऐसे में अब इनसे तूफानी बल्लेबाजी की उम्मीद एक बार फिर से की जा रही है, जिसके चलते अब कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में ओपनिंग करने उतरेगी। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे नंबर पर शुभमन गिल को शामिल किया, जो चेतेश्वर पुजारा की जगह पर टीम में पोजीशन पक्की कर चुके हैं। आपको बता दें, चेतेश्वर पुजारा को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में बाहर कर दिया गया था, ऐसे में अब उनकी जगह पूरी तरीके से टीम से बाहर हो चुकी है, जिसके कारण अब चेतेश्वर पुजारा की जगह पर शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने चार नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली को टीम से बाहर कर दिया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, विराट कोहली को रोहित शर्मा ने टीम में शामिल नहीं किया। उन्होंने बताया कि विराट कोहली घरेलू कारणों के चलते अपने वतन वापस लौट चुके हैं, ऐसे में वह पहले मैच के अंदर शामिल नहीं हो सकते, जिसके चलते अब उनकी जगह पर टीम के अंदर बल्लेबाज श्रीकर भरत को शामिल किया है, जिनका कुछ खास प्रदर्शन भारत के लिए टेस्ट में देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में अब उनकी जगह पर टीम में भारत को खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि भारत एक विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ विराट कोहली की जगह भर सकते हैं। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने पांच नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर को शामिल किया, जिन्होंने अजिंक्य रहाणे को पूरे तरीके से रिप्लेस टेस्ट में कर दिया है। ऐसे में अब एक बार फिर से श्रेयस अय्यर के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही है और मध्य क्रम में टीम को संभाल कर आगे ले जाने का काम करेगा। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को शामिल किया, जो अभी तक टी20 और वनडे में बेहतर प्रदर्शन करते हुए विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आए हैं। ऐसे में उनसे बेहतर पहली बार टेस्ट में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कप्तान रोहित शर्मा ने ऑलराउंडर के रूप में रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया है, जो सबसे खतरनाक ऑलराउंडर और गेंदबाजों की सूची में सबसे ऊपर मौजूद है। ऐसे में अब रविचंद्रन अश्विन के ऊपर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद एक बार फिर रोहित शर्मा को है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाज के तौर पर सबसे पहले शार्दुल ठाकुर को शामिल किया, जो पहले बेहतरीन गेंदबाजी के साथ में थोड़ा बहुत बल्लेबाजी करना जानते हैं, ऐसे में इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है, जो टीम के मुख्य गेंदबाज है, जो अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरी गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को शामिल किया, जिन्होंने बेहतर गेंदबाजी कर सभी को प्रभावित किया है। तो ऐसे में एक बार फिर से उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इसके अलावा अंतिम गेंदबाज के तौर पर मुकेश कुमार को मौका दिया गया है, जिन्होंने लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर सभी को प्रभावित किया। ऐसे में एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और अब इन 11 खिलाड़ियों के साथ कप्तान रोहित शर्मा अफ्रीका को पहले टेस्ट में हराने उतरेंगे। दोस्तों, टीम इंडिया इस समय अफ्रीका की धरती पर मौजूद है और जहां टीम इंडिया ने पहले टी20 मुकाबले में एक एक की बराबरी कर हर किसी को हैरान कर दिया, वहीं वनडे सीरीज में राहुल की कप्तानी में 2-1 से जीतकर हर किसी को चौंका दिया। यह सफर यहीं समाप्त नहीं हुआ। अगली चुनौती टीम इंडिया के दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसका पहला मुकाबला 26 दिसंबर को खेला जाना है।